सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इकोसिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल कि ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक टॉपिक है। कई बार SST का भी टॉपिक आता है, ये एक्चुअल में ऑप्शनल सब्जेक्ट है BEd फोर्थ सेमेस्टर में एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसमें एक टॉपिक है इकोसिस्टम। तो एक्चुअल में इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम दो चीजों से बना होता है। सिस्टम मींस एक सिस्टम चल रहा है, वो कैसे बना है? दो चीजों से बनता है, एक होती है लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। एज यू ऑल नो कि लिविंग क्या होती है और नॉन लिविंग क्या होती है। लिविंग क्या होती है? जो चीजें मूव करती हैं, जो चीजें सांस लेती हैं, उसको बोलते हैं हम लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो मूव नहीं कर सकती, दे कांट इवन ब्रीथ, उसको नॉन लिविंग कहते हैं। और ये दोनों चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये क्या होता है? इकोसिस्टम इट्स द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन between living and non-living things कि जो इंटरैक्शन होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलकर बनाते हैं इको सिस्टम। ये आपको भी पता लग गया। अब उसके बाद ये जो लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं, इनको एक्चुअल में बोलते क्या है? लिविंग होते हैं जो, इनको हम बोलते हैं बायोटिक। क्या कहते हैं उसको? बायोटिक। और जो नॉन लिविंग होते हैं उसको बोलते हैं एबायोटिक। इसलिए ये जो इकोसिस्टम है, डेफिनेशन तो इसकी हम लिख देते हैं कि ये किसका रिजल्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। बट एक्चुअल में इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यही दो कंपोनेंट्स होते हैं। बट इसको हम लिखते कैसे हैं? हम कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग उसकी डेफिनेशन में, बट एक्चुअल में उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के? एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। ये दोनों हमने अभी किए, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। ये आपको पता लग गए। अब बायोटिक होती है लिविंग, लिविंग में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? अगर आप देखो लिविंग में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो एबायोटिक है, एबायोटिक तो आपको पता है कि कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। और नॉन लिविंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एयर, वाटर, लाइट और भी बहुत सारी चीजें। बट इसके लिए मतलब पहले एयर, वाटर, लाइट, ये सारे क्या होते हैं? एबायोटिक। एबायोटिक मींस जो मूव नहीं कर सकते, जो सांस नहीं ले सकते, एबायोटिक, नॉन लिविंग। और बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग। इनमें क्या आते हैं? ह्यूमंस आते हैं। और क्या आता है इनमें? प्लांट्स आते हैं। ओके, ह्यूमंस आते हैं और प्लांट्स आते हैं। मेनली ह्यूमंस को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते अभी, तो हम क्या करते हैं, ये प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये जो बायोटिक होते हैं इनको तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली जो बायोटिक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और थर्ड टाइप उसकी होती है डीकम्पोजर्स। ओके, बायोटिक तीन तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। ये होते हैं तीन बायोटिक। सो अब हमने देखा कि बायोटिक तीन तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। अभी हम इसके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। सो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू नो, प्रोड्यूस, जो खुद अपना भोजन, खुद अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर कहते हैं।
सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अपना भोजन कौन बनाता है? प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? दैट मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड। और प्रोड्यूसर तो आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रोड्यूसर दैट मेक्स देयर ओन फूड। फूड अपना कौन बनाता है? खुद प्लांट्स बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लांट्स, ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। आई होप प्रोड्यूसर इज क्लियर टू यू कि प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। देन कम कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो खुद एक पार्ट नहीं होता, कंज्यूमर फोर पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है। कंज्यूमर कौन सा होता है? एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, देन थर्ड कम्स द टर्शरी एंड द लास्ट जो लेफ्ट है। पहले आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन टॉप कंज्यूमर। अब इनमें चारों में क्या मतलब डिफरेंस है? है तो चारों कंज्यूमर्स, बट एक्चुअल में इसमें है क्या? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी जो सबसे पहले आते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? प्रोड्यूसर आया था। प्रोड्यूसर क्या करते थे? अपना खुद बनाते थे खाना। जिन कौन होता है वो? प्लांट्स होते हैं। और इसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में आता है प्राइमरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? जो अपना फूड प्लांट से लेते हैं। अपना फूड प्लांट से कौन लेता है? मीन्स कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रास वगैरह खाते हैं, वो कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। मीन्स जो डिपेंड करते हैं किस पे? डिपेंड ऑन प्राइमरी मीन्स नॉट प्राइमरी, यू कैन से डिपेंड करते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्लांट्स। मीन्स वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो होते हैं प्राइमरी। कौन डिपेंड करता है? छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं। कौन से एनिमल्स होते हैं वो जो डिपेंड करते हैं? आपको पता होगा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो डिपेंड करते हैं। जो प्रोड्यूसर हमने किया, प्रोड्यूसर होते हैं खुद बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। और प्राइमरी कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है? काओ देखा होगा आपने, काओ को, शीप को, ये सब एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। देन कम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्राइमरी तो प्रोड्यूसर से ले लेते हैं, तो सेकेंडरी कहाँ से लेंगे? एंड यस वन थिंग ऑल्सो, ये जो काओ शीप मीन्स प्राइमरी स्टार्टिंग होते हैं, इनको हम हर्बीवोरस भी कहते हैं। हर्बीवोरस, इनको हम हर्बीवोरस भी कहते हैं। देन कम्स सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं? अब अगर प्राइमरी वाले प्रोड्यूसर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाले किस पे डिपेंड करेंगे? प्राइमरी पे। सेकेंडरी वाले किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइमरी पे। मींस ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये एनिमल्स प्लांट खाते हैं, और ये अगर प्राइमरी पे डिपेंड कर रहे हैं अपने भोजन के लिए, तो यहाँ कौन से एनिमल आएंगे? जो काओ शीप वगैरह जो मींस ग्रीन चीजें खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो इसमें कौन सा आएगा फिर? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में आते हैं फ्रॉग, लिजर्ड, ये सारे एनिमल्स। फिर आ जाता है टर्शरी, थर्ड पार्ट। अब टर्शरी वाले कौन से होते हैं? अब ये तो ये खा लेते हैं, अब ये खा लेते हैं, तो टर्शरी वाले में क्या आता है? टर्शरी वाले वो होते हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों पे डिपेंड करते हैं। या टर्शरी वाले मोस्टली कौन से होते हैं कि जो सिर्फ सेकेंडरी पर डिपेंड करते हैं, मीन्स एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। जो बिगर वाले एनिमल्स होते हैं वो टर्शरी होते हैं। मीन्स बिगर वाले कौन कौन से होते हैं? लायन, टाइगर, ये सब जो एनिमल्स को खाते हैं। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोड्यूसर कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। देन कम्स द कंज्यूमर। कंज्यूमर चार तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टॉप कंज्यूमर्स। प्राइमरी वाले कौन से होते हैं? प्राइमरी वाले प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर वाले कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स पे कौन डिपेंड करता है? काओ, शीप वगैरह, स्मॉल एनिमल्स यू कैन से। फिर आ जाती है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है? जो प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं। प्राइमरी कौन से थे? काओ शीप जो थे ग्रीन प्लांट्स खाते थे, और ये फर्दर उन एनिमल्स को खाते हैं। कौन से? फ्रॉग एंड लीजर। फिर आ जाते
सीधा एनिमल्स खाते हैं। देन कम्स द टॉप। टॉप मींस सबसे ऊपर। टॉप कौन सा होगा? टॉप होता है जो तीनों पर डिपेंड करता है, वो तीनों चीजें खा सकता है, उसको बोलते हैं टॉप। डिपेंड ऑन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जो तीनों पर डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप कंज्यूमर। आई होप दिस इज क्लियर कि क्या होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर पे, सेकेंडरी प्राइमरी पर, टर्शरी सेकेंडरी पर, टॉप वाले तीनों पर। इज इट इजी? देन कम्स द डीकंपोजर्स। अभी डीकंपोजर कौन से होते हैं? डीकंपोजर्स भी अकेले ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब डीकंपोजर्स में सिर्फ ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो डिपेंड करते हैं डेड एनिमल्स पे। कोई डेड एनिमल्स, कोई डेड मटेरियल हो, डीकंपोजर्स उन पे डिपेंड करते हैं। आई थिंक बायोटिक इज क्लियर टू यू कि बायोटिक क्या होता है। अब उसके बाद बायोटिक थे लिविंग, ये सारे हमने बात की, लिविंग में आ गए। देन कम्स एबायोटिक। अभी एबायोटिक कौन से थे? जो नॉन लिविंग थे। अब उनमें कौन कौन से आते थे? नाउ यू विल सी। बायोटिक हो गया, अब आएगा अबायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन से थे? जो नॉन लिविंग थे। अब नॉन लिविंग कौन कौन से होते हैं? एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया। ये सब चीजें क्या होती हैं? वैसे इसमें टेम्परेचर भी आ जाता है अगर आपने ऐड करना हो। टेम्परेचर नेक्स्ट। तो अभी एक एक अगर आप एयर की बात करते हो तो एयर क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। और एयर क्या है? एयर के बिना एज यू ऑल नो सर्वाइवल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सर्वाइवल नहीं होगा, इसलिए एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एंड देन कम्स द अनदर एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज वाटर। वाटर क्या है? वाटर तो आप सबको पता है कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए उससे इंसान की डेथ तक हो सकती है, इसलिए वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एबायोटिक का। देन कम्स अ लाइट। लाइट तो आपको पता है, लाइट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? ग्रीन प्लांट्स के लिए। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? हमारे लिए फूड बनाते हैं, एनिमल्स के लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने बायोटिक में पढ़ा, प्रोड्यूसर्स वो फूड बनाते हैं, जिसके लिए लाइट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम होता है फोटोसिंथेसिस का, आपको प्रोसेस पता होगा, जिससे क्या करते हैं ग्रीन लाइट्स, वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट लेके भोजन बनाते हैं। उसको उसके लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। देन कम्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर एज यू ऑल नो, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें हम पर डिपेंड करती हैं। मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी हमें प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर कम होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। So I hope this both biotic and abiotic components are useful for you. So please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.